1 मिलियन हो गया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से फीलिंग एक्साइटमेंट किस तरह का फील हो रहा है अभी अपने गाने को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या बोलते हैं? लेट्स स्टार्ट विद बायशा। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी, बट आई थिंक but I also think he should be talking about this song because this song is very close to his heart and he's been working on this song for 3 saal se upar ho gaya hai. 3 saal? 3 saal pehle banaya tha. 3 saal pehle banaya tha. So yeah, so it's very close to his heart. So I think he should talk about it more. एक्चुअली मैं ये गाना नहीं बनाना चाह रहा था, ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि जब ये मैंने गाना 3 साल पहले लिखा था, मैंने कभी ये चीज़ें शेयर की नहीं है पब्लिकली, बट ठीक है, बोल सकता हूँ आज मैं। जब ये गाना मैंने लिखा था तो एक्चुअल में जो सिचुएशन थी वो एक ऐसी सिचुएशन थी, आई वॉज क्राइंग दैट टाइम। उस रात मैं बहुत रोया और रोते रोते ये गाना मैंने लिखा, क्योंकि मैंने एक्चुअल जो मैं फील कर रहा था मैं लिख रहा था। सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं ये गाना नहीं बनाऊंगा, मैं लाइफ में कुछ आगे बढ़ के कुछ अलग काम करेंगे, नए काम करेंगे। फिर आए हमारी लाइफ में ये मिस्टर अक्षय के अग्रवाल, मतलब ये पहले से ही थे, बट गलती से इन्होंने वो गाना सुन लिया। मेरी लिस्ट में वो गाना इन्होंने सुन लिया, तो इन्होंने बोला ये गाना क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने बोला मैं ये गाना नहीं करने वाला हूँ, उसके रीजंस है। तो इन्होंने बोला नहीं, ये गाना करना है, ये बहुत अच्छा गाना है और ये हम करेंगे। तो हमने डिसाइड किया इनके फोर्स करने पे, क्योंकि ये गाने में जो वर्ड्स हैं, जो लिरिक्स हैं इस गाने के, वो बहुत क्लोज है मेरे दिल के, और मेरी रियल फीलिंग्स थी उस टाइम पे। फिर हमने ये गाना बनाया एंड वी शॉट इट इन अर्बेनिया। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने वहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया। वो ट्रिप तो अनफॉर्गेटेबल है, सीरियसली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने वो हमारी लाइफ के बेस्ट डेज, बेस्ट 10 डेज थे मायशा के, आई थिंक चार पाँच। हाँ, हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया वहाँ पे, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बाकी ये बताएंगे डायरेक्टर साहब। सो हमारा जैसे कि प्लान हुआ और हम लोगों ने शूट किया, और ये शूट लगा ही नहीं कि हम यू नो प्रोफेशनली शूट करने आए हैं। हम लोग इतने दोस्त बन चुके थे, फ्रेंड्स बन चुके थे, तो हम इतना मजाक करते करते हंसते हंसते हम शूट कर रहे थे, और ऐसा लगा कि ट्रिप पर ही हम लोग, अभी मजाक चल रहा है, शूट तो हो ही नहीं रहा है। बट ठीक है, हमने किया और कुछ 15-16 आवर्स लगातार बैक टू बैक हम लोग लगे रहे शूट करने में, फाइनली वी डिड इट, और उस ट्रिप को हम नहीं भूल सकते। एंड जैसे कि मैंने गाना सजेस्ट किया कि करो, अगर गाना चल गया, हिट हो गया, तो मेरी वजह से मजाक कर रहे हैं, ये सारा रेवेन्यू ले जाने की कोशिश में। तो द फैक्ट इज, मैं मायशा से पहली बार मिला था, वो भी अर्मेनिया। गाइस, असली रोमांस यहाँ है, आप मिस कर चुके हो। स्ट्रेट मैं भी एकदम स्ट्रेट। तो मायशा से मैं पहली बार मिला था इन अर्मेनिया, डायरेक्टली हम लोग बाहर कंट्री में मिले थे, उससे पहले हम कभी इंडिया में मिले नहीं थे, ना हमारी बात हुई थी कभी। तो पहले दिन से हमने अच्छा बॉन्ड शेयर किया, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, अर्मेनिया ट्रिप बहुत इन्जॉय किया। शूट तो हमने मस्ती में कर लिया, मतलब बहुत फन था शूट करने में, बहुत मज़ा आया, और आने का वहाँ से मन नहीं कर रहा था। गाने में एक्ट बहुत अच्छा किया है मायशा ने, आपने देखा ही होगा। बाकी जो हमने रोने वाले सीन किए वो असली थे, वो कोई हमने कुछ ग्लिसरीन वगैरह यूज़ नहीं किया उसमें, हमारा मतलब वहाँ पे ठंड इतनी थी कि बंदा अपना भी रो पड़े। मेरे लिए मेरा काम सबसे ज़्यादा इजी था, इनको मैंने बोला यहाँ पे रोना है और मैं प्रॉम्प्ट करूँगा तो रोना, तो इतने जल्दी लोग भरे बैठे थे, ठंड लग रही थी ना, कांप रहे थे, तो बस प्रॉम्प्ट करो। -1 डिग्री पे मैंने बाइक चलाई है, -1 डिग्री पे मेरी हालत ऐसी हो गई थी वहाँ पे, मैं पूरा फ्रीज हो गया था। गर्म पानी के स्टीम से मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तो ये हालत थी हमारी वहाँ पे। तो नानी जी, कैसे कि हम लोग जीना चाहिए, जो ये सॉन्ग है आपके बेहद दिल के करीब है, बिकॉज आपने कहा कि ये जो गाने में आपने जो यूएसपी जो डाला है, और ये आपका पूरा एक जो आपको फील हुआ है, जो आपके जो लाइफ है, जो पार्ट था, अब आप उसको रिवील करते नहीं करते, वो आपके ऊपर है, तो ये क्या गाना ही आपके सबसे करीब है। देखो, गाने तो सारे हर आर्टिस्ट के दिल के करीब होते हैं, कुछ वो किसी और की लाइफ से इंस्पायर्ड होके लिखते हैं, कुछ वो अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होके लिखते हैं। ये गाना मैंने अपनी फीलिंग्स और अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होके उस टाइम पे लिखा था। वो सिचुएशन ऐसी थी, मेरा उस टाइम ब्रेकअप हुआ था, और
मैं पता नहीं आज मैं पहली बार पर्सनल अपनी लाइफ के में बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं चाहता ये सब बात करना, बट मन कर रहा है आज कुछ बोलने का। तो उस रात में, और ये बात मैंने कभी रिवील नहीं की, मैंने एक गलती की है लाइफ में, आज मैं वो कन्फेस कर रहा हूँ। मैंने कभी अपनी लाइफ में ड्रिंक नहीं किया था, उस रात मैंने पहली बार किया था, और अब तक छोड़ा नहीं है। नहीं नहीं, अब नहीं पीता, अब नहीं पीता, अब नहीं पीता। पता नहीं मेरे मॉम डैड इसके बाद मेरा मर्डर करने वाले होंगे, मुझे माफ़ कर देना मॉम डैड। हमारे यहाँ इस्लाम में अल्कोहल अलाउड नहीं है, बट मैंने उस रात में, पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्या कर जाऊँ, तो उस रात मैं बहुत रोया, मैंने बहुत पिया, और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे जैसे एक इंसान मरने वाला होता है ना, वैसी मेरी हालत हो गई थी। और उस सिचुएशन पे मैंने कुछ लाइन लिखी कि मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊँगा, अब ऐसी हालत हो गई, कल मैं ना जीऊँगा। और मेरा अंदर ये चल रहा था कि एक बार, आखिरी बार मरने से पहले एक बार उसको हक कर लूँ, कि मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा, शायद ये जीना चाहेगा। तो ये गाने की लाइंस हैं जो एक्चुअल उस टाइम पे मुझे फ़ील हो रहा था, मैंने वो लिखा। मेरी मॉम ने आज मुझे कॉल किया ये गाना देखने के बाद, एंड शी वॉज एक्चुअली क्राइंग। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उन्होंने मेरे को इस गाने में वैसा देखा है, उन्होंने वैसा फील किया। बट मैंने उनको ऐसे बोला कि ये एक्ट है, सिर्फ एक्टिंग थी। अगर उस टाइम पे मेरी मॉम एक्चुअल में मुझे देख लेती तो पता नहीं उनका क्या होता। अच्छा माईशा, हाउ इज यू नो वर्किंग विद दानिश, कैसा था आपका बॉन्डिंग उनके साथ? जैसे उन्होंने कहा आर्मेनिया वाज द फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली थी, एंड इनिशियली मैं बहुत सेंटर में, मैं इनके साथ काम कर चुकी हूँ, थैंक्स, साइड में रख के भी वही है, बट एनीवे मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ। बट ये सॉन्ग जहाँ मैं, वो द फर्स्ट टाइम मैं दानिश से मिली, एंड जो मूड खराब हुआ, मूड काफी नहीं, मजाक मजाक है, आप लोग हाथ नहीं पकड़ रहे, भूल गए हम दोनों, थैंक्स थैंक्स। सो हमने बहुत मस्ती किया, एंड आई थिंक चार दिन मैं इन लोगों के साथ चिल करी थी, मैं भी इनकी जैसे लौंडा बन गई थी। हम सब लौंडे वाले काम, नहीं वो गलत साउंड करता है, नहीं वो नहीं किया, बट या वी गॉट अलोंग रियली वेल। हम आई थिंक फर्स्ट डे ही बहुत घुल मिल गए थे, एंड इट वॉज लवली वर्किंग विद देम। मेरे वजह से दानिश ने काफ़ी गाली भी खाई थी इनसे, बट या इट ऑल जस्ट मेड द एक्सपीरियंस इवन मोर फन एंड इवन मोर एन्जॉयबल एंड इवन मोर मेमोरेबल। सो या हमने क्या क्या किया, नहीं मत बताओ, अभी भी निशानी आपके रूम में कौन से? अच्छा नहीं बोलना था, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ओके, मैं दारू नहीं पीती, मेरा अभी तक इतना कटा नहीं है जिंदगी में कि मैं इतना रो किसी के लिए, ऑल इज गुड इन माय लाइफ, थैंक यू। मैं एक चीज बोलूं, उस दिन पहली बार पिया था मैंने, और हाँ बहुत गलत होता है, कोई नहीं पीना, बहुत गलत होता है। लिरिक्स राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, लिरिक्स के अकॉर्डिंग मैंने कुछ और सोचा था, सोचा था उस टाइम 3 साल पहले। बट अभी जब ये करने वाले थे हम, तो हमारा प्लान बना आर्मेनिया जाने का, कुछ डिफरेंट करने का। तो हमारे डायरेक्टर साहब, वन एंड ओनली मिस्टर अक्षय के अग्रवाल, मैं इन्हीं के साथ सारे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इससे लास्ट प्रोजेक्ट हमारा भी आया था, एक्स गाने का टाइटल था, जिसमें डेजी शाह फीचर की थी मेरे साथ में, और मिलिंद गावा जैसे अच्छे नाम थे, उनका म्यूज़िक था, तो वो भी इन्होंने किया था, बहुत ग्रैंड सॉन्ग था वो। और जो अब नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद, कामयाबी अनाउंस कर दिया मैंने, ओके छोड़ो ये कट कर देना प्लीज़।
नेक्स्ट जो आ रहा है वो बहुत अच्छा गाना होने वाला है, वो भी बहुत ग्रैंड शूट हुआ है उसका भी, उसके भी डायरेक्टर ये है। और आज एक सरप्राइज और है आप सब लोगों के लिए, वो अंदर जाके बताऊंगा मैं अभी नहीं। नहीं स्टोरी की बात करें तो अक्षय भाई का प्लान था ये कि हम ऐसे ऐसे शूट करेंगे, हमने एग्जीक्यूट किया मिलके और काफ़ी मेहनत की सबने, सबका ये देखो एक से नहीं बनता गाना, पूरी टीम से बनता है, तो मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है। अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे दारू मत पीना कुछ बुरा मत करना, कभी भी ड्रिंक नहीं करना, मैंने एक बार करके देखी थी खराब होती है, एंड उसके बाद ड्राइव तो बिल्कुल मत करना, और ड्राइव नहीं करना। और प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी तो मैं सबसे आजकल प्यार की परिभाषा कुछ अलग ही हो गई है, मोहब्बत की परिभाषा कुछ अलग होती हो गई है, बट मैं आज लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैंने अभी एक लाइन लिखी थी कि मोहब्बत वो नहीं, छोड़ो मोहब्बत वो नहीं, ओह यस डेफिनेटली मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊंगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊंगा, मैंने सोचा था कभी मैं ना पीऊंगा, अब ऐसी हालत हो गई कल मैं ना जीऊंगा, मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा शायद ये जीना चाहेगा, मेरे मरने से पहले मुझको गले लगा ले तू, फिर दिल जीना चाहेगा शायद ये जीना चाहेगा। थैंक यू, बहुत कर दिया। वेरी बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले आई थिंक एक अच्छा म्यूजिक वीडियो है, गाना भी अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स दानिश इज परफॉर्मिंग इन इट, तो एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर एज अ सिंगर तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। एंड मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द सॉन्ग, एंड आई एम श्योर कि इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली अ हिट सॉन्ग, और इसके ज़रिए जिस मकाम पर आप हैं उससे कहीं ऊपर मकाम पे आप पहुँचे, वही मेरे दिल की दुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी वो आए हैं, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, आपका प्यार मिल रहा है। नहीं, हम लोग ने एक दो बार साथ में जिम किया है और पुशअप्स में मैं इनसे हार जाता हूँ सीरियसली, मतलब देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग है अभी भी यंगेस्ट में। यार इस समय आई थिंक मैं इनके लिए यहाँ पे आया हूँ, और ये फोटोग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं, एंड आई थिंक शी इज द गर्ल, ओके सो शी इज ऑपोजिट, सो इसके बारे में हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरे बारे में तो वो बातें कहीं ना कहीं होती रहेंगी। आई जस्ट वांट टू विश हिम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। डायरेक्टली फिल्म सिटी से आया शूट करके, मतलब नहीं सो स्वीट ऑफ यू, इट्स अ प्लेजर, एंड आई एम हैप्पी दैट यू नो ही हैज हैड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ, और उसके बावजूद इंसान अगर अपना काम करता रहे, अपना कर्म करता रहे, दैट इज़ वॉट मेक्स अ विनर, एंड आई सी दैट दैट क्वालिटी इन दानिश। सो इसी तरह से डटे रहो, लगे रहो, एंड आई एम श्योर कि सारी दुनिया इसी तरह से आपके सामने खड़ी रहेगी और कदम चूमती रहेगी आपकी। I think the song has been shot well. I think it looks amazingly beautiful, and the camera work is superb. Danish as a performer, I think he's done a brilliant job. The music is also very very catchy. So ये सारी की सारी qualities एक साथ मिलके आई हैं. So I'm sure that this is definitely going to be a big song and a very very hit song. So sweet. For thank sure. you so much. Thank you so much. Well, जितने मेरे चाहने वाले हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सालों से मैं आपको बोर करते आ रहा हूँ, कोशिश यही करूँगा कि आगे बोर ना करूँ, और एंड आई लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन द फ्यूचर ऑल्सो, एंड आई विश दानिश वंस अगेन फॉर दिस अमेजिंग सॉन्ग। थैंक यू सो मच। हो सकता है
इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट्स वेरी गुड एंड उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा मेलोडियस है. सेंटर सेंटर यहां. अच्छा मुझे लगा सवाल वहां से पूछ रहे थे ना वो. हमें आंखों में आंखें डाल के बात करने की आदत है ना. Yes, exactly. मतलब सोचो अगर आज ही 1 मिलियन जा चुका है तो अगले 10 दिन के अंदर क्या होगा. मुझे लगता है सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर द 1 मिलियन ऑल्सो. इट्स सच अ बिग थिंग लाइक कि मतलब एक दिन में ही बिकॉज अभी कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रैक्स आए हैं बट वो भी 1 मिलियन नहीं गए. एक एक हफ्ता हो गया उन गाने को. लेकिन लाइक इट्स सच अ बिग थिंग फॉर यू. वो इनका जादू है इनकी पर्सनैलिटी का और इनकी वॉइस का. जो गाना पहले दिन ही 1 मिलियन चला गया इन जस्ट 8 आवर्स. थैंक यू सो मच. सी आई एम हिज फ्रेंड सो मैं सबसे ज्यादा उनकी वॉइस से कनेक्ट करता हूँ बिकॉज वो बहुत सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. एंड हिज पर्सनैलिटी एंड ऑरा एंड हिज वॉइस एंड तो मतलब मैं तो उनकी वॉइस से ज़्यादा कनेक्ट करूँगा ना कि हाँ मेरे भाई का गाना है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली ही इज ऑलवेज वेरी स्टाइलिश. एकदम स्लिम स्लिम लुक देखो. जिम का असर है. जिम एंड एवरीथिंग एंड वेरी गुड लिरिसिस्ट वेरी गुड सिंगर एक्टर ह्यूमन बीइंग. एंड हमने गाना किया हुआ एक मेरा पहला गाना जो 10 मिलियन क्रॉस हुआ था जब मैं नया नया डायरेक्टर बना था दानिश फाज के साथ था. सिंगर लिरिसिस्ट कंपोजर एंड दिस टू वर्क वेरी सून बन सके. और भाई जब भी मेरा कोई फंक्शन होता है आते हैं और मुझे बुलाते हैं. अच्छा लगता है हम मिलते रहते हैं. और गाना बहुत अच्छा बना हुआ. आई वॉच इट एंड आई विश वेरी वेरी गुड लक. लेट्स इंट्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हियर जो हमारे गाने के भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं और काफ़ी अच्छे म्यूजिक कर चुके हैं. आपने गाना भी सुना होगा मैं देखा तेरी फोटो. तो हमारे गोल्ड पाजी पंजाब के मतलब टॉप नॉच गाने जो मुंबई आए हैं काम करने के लिए हिंदी कंटेंट के लिए. तो अभी हम साथ में ही काम कर रहे हैं. अच्छा आपने किसकी फोटो देख के वो गाना लिखा था मैं देखा तेरी फोटो? मैंने तो म्यूजिक बनाया था मेरे भाई ने लिखा था निर्माण ने. पर फोटो किसकी देखी थी? फोटो उसने देखी होगी उसने अपनी गर्लफ्रेंड की देखी होगी. तो मैंने उसको इन्होंने वो फोटो चुरा के अपने फोन में उसको देख के म्यूजिक बनाया था. और ये गाना ये बहुत मेरे भाई की आवाज़ ही ऐसी है कि मैंने खुद मांगा. मैं कहा यार मैं करता हूँ इस गाने को मुझे नहीं पता. तो एक्चुअली ऐसे बहुत सारे गाने में जो खुद मांगे हैं. मैं कहा यार मैं ये भी मैं करूँ और ये क्या है भाजी. ठीक है आप ये कर लो. थैंक यू सो मच. तो मेरे भाई ने मुझे मौका दिया. अरे और नहीं, बहुत बढ़िया आवाज़ है. ऐसी आवाज़ है कि लोग ऐसी आवाज़ को बनाने के लिए बहुत 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 रियाज करते हैं मेरे भाई की. और बहुत प्यारी आवाज़ है. आप सब प्यार दें गाने को. और गोल्ड बॉय नाम याद रखें ये मुंबई में अभी नया है. कभी आप बोल रहे शर्ट पहन के आया मैं शेर वाली शर्ट पहन के गाने में ऋतिक चौहान मैं वही बोलने वाला था. मैं मायशा ये जस्टिन ओकापाजी ये गाना 3 साल पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो उसका जो एक डमी वर्जन बनाया था वो ऋतिक चौहान ने बनाया था मेरा छोटा भाई. मेरे को दिख नहीं रहा वो. मैं चाहता हूँ कि वो भी आए. तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अलग अलग रहने लगे थे. वो थोड़ा दूसरा डिस्टेंस दूर. उसके बाद वो गाना हमने कैंसिल मैंने कहानी सुनाई दी थी आपको. उसके बाद अभी हम जब साथ में रहने लगे तो फिर उस गाने का प्लान बना फिर से वापस करने के लिए. तो पाजी ने उसको एनहेंस किया उसको अच्छे से निखारा और अच्छा जो अच्छा तो था ही और अच्छा बना दिया उसको. थैंक यू सो मच. बेसिकली पूरी टीम का मेहनत है. और जो नाम मिसिंग है यहाँ पे अक्षय अग्रवाल पाजी. अरे उनकी तो बात ही अलग है. जो नाम मिसिंग है यहाँ पे वो है जस्सी पाजी गौरव भाटिया और दीक्षित सानी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं लेबल के. वो मिसिंग है यहाँ पे. उनको मैं मिस कर रहा हूँ. काफ़ी लोग आने चाहिए थे बट वो चंडीगढ़ रहे. दे आर फ्रॉम चंडीगढ़ तो अभी वो नहीं आ सकते थे. तो उनकी दुआएं तो हमारे साथ हैं. हाँ, yes, का होगा. सपना आपने ये सॉन्ग देखा क्या? जीना चाहिए. हाँ देखा. मुझे अच्छा लगा. मेरा वाला ज़्यादा अच्छा जो मैंने और दानिश ने किया है. एक्चुअली आज मेरा सूट थोड़ा टाइट हो गया.
दानिश इज लुकिंग वेरी गुड। मैं गा पा रहा हूं ना बोल पा रहा हूं। अच्छा क्या क्या आगे ऑन स्क्रीन दानिश और सप्ता के साथ कोई गाना हमें फैंस को आगे देखने मिलेगा क्या? बिल्कुल आप प्रोड्यूस करो। नो 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 एंड वी डू ये म्यूजिक डायरेक्टर खड़े हैं, सिंगर कंपोजर लिरिसिस्ट सब हो जाएगा, एक्ट्रेस मिल गई, अब फाइनेस्ट डांसर्स भी है हमारे पास, तो आप बताओ कब प्रोड्यूस कर रहे हो? बोलती बंद हो गई भाई, ये कैसे हो गया? एक बात बताइए, व्हाई डुओ? ट्रायो भी तो हो सकता है। ट्रायो भी तो हो सकता है। बिल्कुल मी सपना एंड दानिश। वही तो मैं बोल रही हूँ, ऐशान को ट्रायो का बड़ा शौक है। मुझे इसका बहुत बड़ा शौक है। कट कट। ओके सो ईशान की नजर एनर्जी आ गई है भाई, बाहर मिलना। अच्छा लगा सब लोग आए। और प्लीज प्लीज मैं एक एक को नहीं बोलूंगा, आप सबको, आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हो पूरे इवेंट में जो मीडिया वाले होते हैं। आई लव यू ऑल। प्लीज अच्छे से खा के जाना, अच्छे से पी के जाना, सिर्फ नॉन अल्कोहल। ठीक है, मीडिया वाले बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा एक्ट किया है। हाँ, काफी बहुत। पहले सब लोग तारीफ करते थे मेरे एक्ट की, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अच्छा करता हूँ, बट इस बार इस गाने से मुझे लगा यार मैंने, क्योंकि एक्चुअल एक्ट किया है मैंने। हाँ, उसमें हमने कोई ग्लिसरीन नहीं यूज किया है। वो रियल इमोशंस, रियल फील के साथ वो पूरा गाना शूट किया है। आ जाओ दक्षिणा, पुराने दोस्त लोग हैं ना। सैम भाई क्या कहना चाहोगे, नया सॉन्ग आया दानिश अल्फाज का, जीना चाहेगा, आपने सुना ये गाना देखा? मैं अभी जस्ट आते आते अभी गाड़ी में सुनते हुए आया हूँ, और दानिश मेरे भाई के जितने भी गाने हैं वो हमेशा सुपर हिट ही रहे, तो मैं दुआ करता हूँ कि ये गाना सुपर डुपर हिट हो और ऐसे ही वो तरक्की करते रहे, ऐसे ही वो सक्सेस उनको मिलती रहे। हमारी दुआएं हमारा साथ उनके साथ है, और मेरे हिसाब से दानिश भाई आज की तारीख में एक रॉक स्टार है और फ्यूचर के बहुत बड़े अपकमिंग स्टार है, तो हमारे बेस्ट विशेज, हमारा गुड लक उनके साथ। थैंक यू सो मच। सबसे मेरे लिए तो बहुत अच्छी, मेरे लिए खास बात ये है कि ये लोग आए मेरे पास मेरे इवेंट में, तो मेरा इवेंट ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। थैंक यू सो मच सर गाइस। मैं भी दानिश को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस सॉन्ग के लिए, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, मैंने देखा आज ही देखा है सॉन्ग, एंड मेरे बेस्ट विशेज आपके साथ है। थैंक यू सो मच। मेरे जो भी पंगे होने वाले हैं फ्यूचर में, ये खड़े हैं मेरे साथ में, हाँ ये लड़ेंगे ये दोनों भी। ऑलरेडी बहुत पंगे लाइफ है यार। ओके सो सोमी भी आई है, सोमी को मिलते चलो निकल कर। किसको बुला रहे? सिंगर है ये, भाभी है जो म्यूजिक डायरेक्टर है गोल्ड बाजी, उनकी वाइफ है ये, फैंसी एक्ट्रेस से आए, और अगर कुछ बोलना है हमारे बारे में तो बोल सकते हैं, मेरी तारीफ कर देना। दानिश के बारे में अगर एक चीज़ें बोलो तो शायद से वो कम पड़ जाएगा, बिकॉज ही इज़ मल्टी टैलेंटेड, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड amazing soul, I would say a perfect man to be exist. Yeah, and very good voice he has. वो बहुत अच्छे, मतलब उनका voice जितना अच्छा है ना दिल से गाते हैं। Seriously sorry, voice नहीं आ रही। I think it's a very nice number. It's very heart touching. So congratulations to the whole team. Danish has sung also very well. He has acted also the song. And it has a lot of feel. मतलब एक ना वो whatever they're trying to emote, the feeling it's there in the song. So it's very heart touching. जो सीधा audience से connect होता है. So it's that kind of song. So it's a really very nice song. Congratulations to the whole team and congratulations to Danish. Yes. Woo. I think that is great. Yeah. So as I said, the song deserves millions and millions of views. I think this is just the beginning, that has crossed 1 million in such a short period of time.
So that means, you know, the audience is loving the song and they're loving the vibe of it and they're loving how, you know, they have directed it. I think all the shots are so well taken. The location is beautiful and the actors are great. So it's connecting with the audience. Aur kya chahiye agar ye gana logon ke dilon ko chhu raha hai to. Sorry, what? I think it's very simple. I do not watch it as an artist or an actor. I watch it as audience. तो अगर मुझे गाना अगर मेरे बेसिकली इट्स वेरी सिंपल अगर गाना मेरे दिल को छू रहा है इफ इट्स टचिंग द राइट कॉर्ड्स गाना इज अ सुपर हिट फॉर मी इट्स एज सिंपल एज दैट इट्स अ वेरी सिंपल मंत्र एंड येस दिस सॉन्ग हैज टच्ड माई हार्ट एंड एवरीबडी इज मिलियंस ऑफ पीपल्स ऑफ हार्ट्स सो या ऑल द वेरी बेस्ट टू द टीम डेफिनेटली ओके हेलो दोस्तों मेरा नाम है सिमरन कौर आपका प्यारा प्यारा नोबिता दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप ये गाना देखें और इसे खूब सारा प्यार दें इसके ऑलरेडी मिलियंस ऑफ व्यूज हो चुके हैं इसे और ज़्यादा मिलियन व्यूज दे दोस्तों ठीक है ना अपना ध्यान रखना बाय वरना डोरेमोन को मैं बोलूँगा मुझे गैजेट दे और मैं रोऊंगा थैंक यू मेरे को बेसिकली दानिश भाई के जितने भी गाने आ रहे हैं अभी फिलहाल लाइन से बहुत प्यारे हैं मतलब एक हार्ट ब्रेक जॉनर वो पकड़ के चल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए आज के टाइम पे यंगस्टर्स जितने छोटे मोटे लव स्टोरी में दिल टूटता है तो बहुत रिलेट कर पाते हैं वो लोग तो गाने दानिश भाई के और दानिश भाई की आवाज़ बहुत अच्छी है और अक्षय भाई ने डायरेक्ट भी बहुत अच्छे से किए तो गाना बहुत ही प्यारा है और मेरे को बहुत अच्छा लगा गाना स्पेशली वो बॉटल फोड़ने वाला शॉट वॉज माई फेवरेट ये सब अपने को ज़्यादा पसंद आता है नहीं आई एम नॉट इन टू एनी काइंड ऑफ लव शिट सो मैं ये सब चीज़ों से रिलेट नहीं करता हूँ मैं गाने को गाने की तरह सुनता हूँ बस और कुछ नहीं बात करेंगे आमिर आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई आदित्य सिंह राजपूत काफ़ी अच्छे काफ़ी बेहतरीन एक्टर इस वक्त हमारे बीच नहीं रहे हैं ड्रग्स ओवरडोज के होने की वजह से क्या कुछ आपके तरफ से टेक है इस पूरे मामले को ऊपर जाना पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि थोड़े दिन पहले मतलब आई वॉज़ प्रमोटिंग द सेम ब्रांड स्प्रिंटर्स जो आदित्य भाई भी कर रहे थे तो हम लोग की बात हुई थी वो चीज़ के ऊपर लेके और मेरे को ये नहीं मालूम था कि ही वॉज़ इन टू ड्रग्स और ये सारी चीज़ें बट आज जब मैंने सुना न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े मैंने तो बहुत बुरा लगा मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें रादर देन गेटिंग इन टू एनी काइंड ऑफ ड्रग्स शिट एंड ऑल अच्छा कुछ कर सकते अपने लाइफ के साथ 5 मिनट के मज़े के लिए पूरी लाइफ अपन ख़राब कर दे रहे तो वेस्ट है ये सारी चीज़ें मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मत करो ड्रग्स वग्स अपने फैमिली के बारे में सोचो दोस्तों के बारे में सोचो क्योंकि आप करके आप चले गए बट आपके पीछे जो लोग हैं उनको बहुत बुरा लगता है वो फील करते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया तो से नो टू ड्रग्स और मैं चाहूँगा हायर ऑफिशियल्स जो लोग ये सुनेंगे प्लीज़ टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस क्योंकि मुंबई मलाड अंधेरी गोरेगांव जू हम लोग रोड पर देखते हैं भाई 14 साल 15 साल के बच्चे लोग थिनर एंड ऑल लेके बैठे रहते गांजा फूकते रहते तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब है सो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ये चीज़ों के अगेंस्ट एंड बस यही बोलूँगा मत करो यार लाइफ मत ख़राब करो मैं बोलना चाहूँगा कि आई यूज टू मीट हिम पार्टीज़ में जैसे एमेथिस्ट क्लब था एक क्लब है एमेथिस्ट अंधेरी में सो दिस क्लब बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फ्रेंड वहाँ पे हम लोग पार्टी करते थे सेम आदित्य भाई भी वहीं पे पार्टी करते थे तो एक दूसरे को हाय हेलो करना एक ही इंडस्ट्री से तो मिलना जुलना वो तो चलते रहता था बट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन ही वाज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन जब भी मिलते थे अच्छे से ग्रीट करते थे समझाते थे प्लस उनका जो ब्रांड था मेरे को ब्रांड का नाम याद नहीं बट ही यूज टू ऑलवेज टेल मी अबाउट द ब्रांड कि आमिर मैं तुमको जैकेट्स भेजूंगा तुम वो पहनना मेरे ब्रांड का बहुत अच्छा लगेगा तुमको सूट करेगा सो मैं बस इधर ही बोलूँगा कि जिधर भी रहे भाई खुश रहे और जो गलती उनसे हुई है वो लोग आप लोग रिपीट मत करना कोई भी मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आज के टाइम पे जो अपन देखते हैं सिचुएशंस कि लोग नशे में हैं प्यार मोहब्बत में हैं ये सब चीज़ों से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करो अपने आप को वैल्यू करो अपने मॉम डैड की रिस्पेक्ट करो ध्यान रखो क्योंकि एंड टाइम पे सिर्फ आपकी फैमिली आएगी कोई नहीं आएगा मतलब की दुनिया है सो ध्यान रखो एनीथिंग थैंक यू सो मच गाइस एज ए डायरेक्टर और कोरियोग्राफर बताता हूँ वीडियो बहुत ही अमेजिंग है बहुत ही सिनेमेटिकली शूट किया है डैनिश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मायशा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड ये एक फेज होता है लाइफ में
जब इंसान का ब्रेकअप होता है, बहुत सारी आवाज़ आ रही है बाहर से, बट दैट्स ओके. तो जब इंसान का ब्रेकअप होता है तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं. एंड मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ब्रेकअप के बाद बदलते हैं उनको पॉजिटिवली बदलना चाहिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ अल्कोहल और ड्रग्स के पीछे. जैसा ये मुद्दा बहुत वार्मिंग चल रहा है अभी फिलहाल. एंड यार इट्स अ वेरी सैड न्यूज़, क्योंकि चंद पलों में सारी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, चंद पलों में सारी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं. तो मैं चाहता हूँ जितने लोग भी सिर्फ वो टश के चक्कर में और मज़े के चक्कर में ये सारी चीज़ें करते हैं, प्लीज़ से नो टू ड्रग्स एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. और जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, इन सब चीज़ों को एकदम दूर रखें अपने से, क्योंकि मज़े के चक्कर में आपकी फैमिली बहुत सफ़र करती है फिर बाद में. सो या थैंक यू सो मच. मेरे दोस्त आए, सब लोग आए, बट ज़ुबैर साहब मेरे लिए टाइम निकाल के आए. इससे बड़ा प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए कुछ नहीं है. थैंक यू सो मच. और ये दिन पे दिन हैंडसम होते जा रहे हैं, उसका राज मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, वो जड़ी बूटी नहीं बताएंगे. नहीं नहीं, जड़ी बूटी की बात नहीं है, इधर से रिफ्लेक्शन आ रहा है. ये अयान कुछ बोलेंगे. अयान देखो मेरी हाइट सेम हो गई अभी, अभी शूज भी सेम आने लगे. मुझे लगता है अयान का शूज बड़ा है मेरे शूज से. हो सकता है, है ना? हो सकता है. और कैसे आप बताइए फिर? मैं आपसे जानना चाहेंगे मैम की हालत कैसी है अभी, हाउ इज शी राइट नाउ? हाँ हाँ, शी इज़ ऑल गुड नाउ, शी इज़ रिकवरिंग. और उनका जो सर्जरी हुआ था अभी, इट्स ऑल गुड. थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न. एंड आल्सो वुड लाइक टू नो अबाउट एज द ई फॉर द सॉन्ग लॉन्च डूइंग वेरी वेल, ऑलरेडी क्रॉस 1 मिलियन प्लस 8 आवर्स. क्या कुछ विशेस है आपके साइड से? अरे मेरी तो सारी विशेस हैं इनके लिए कि ये खूब राइज करें, है ना, कीप ग्रोइंग. मेरी हमेशा ये रहेगा कि ये बच्चे हैं, अभी इनका ही टाइम है ग्रो करने के लिए. और इनके जब भी गाने आते हैं ये ऐसे ही आपके मिलियंस आते हैं इनके, और इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा. ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. देखो मैं मेरी ब्लेसिंग सब बच्चों के साथ है. अरे बिल्कुल बिल्कुल. मेरे स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था वो तब भी आए थे लॉन्च पे, और आज थोड़ा थोड़ा आगे चल रहा है, बढ़ रहे हैं, तो अभी भी आए हैं. और मुझे पता है जब और कुछ होगा ये तभी भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और हमेशा रहेंगे ऑलवेज. अरे ये तो हमको पता ही नहीं है. आई एम सो सॉरी कि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है. एक्चुअली हम सुबह से आज बहुत ही बिजी थे और कहीं मीटिंग में थे, और हम अभी घर लौटे हैं, और लौटने के बाद अभी आए. दानिश नोज दिस वेल डायरेक्टली वो, हाँ, तो हमें बिल्कुल नहीं पा रहा, और आई एम वेरी सॉरी अगर ऐसा कुछ भी हुआ है. और मैंने सुना है, और मैंने ये भी सुना है शायद वॉशरूम में उनकी डेड बॉडी मिली है. बहुत बुरा लगा ये देख के. आई मीन पता तो है नहीं एग्जैक्टली कि हुआ क्या, ये मैं नहीं बोल सकता कि क्यों हुआ है, बट यार हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए कि वो जहाँ भी हो. ऑनेस्टली स्पीकिंग हम कभी मिले नहीं है, बट शायद सोशल मीडिया पे या काम वर्क के थ्रू एक दूसरे को देखते ही हैं सब लोग. तो इतना तो जैसे स्प्लिट्स विला वाले काफ़ी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, एक ग्रुप है, एक सर्कल है, तो कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है. तो वो फील होता है कि अपना ही कोई गया है, अपनी ही फैमिली से कोई गया है, तो बुरा लगता है ये. और इतनी यंग एज में आई थिंक किसी का जाना तो बहुत, उनकी फैमिली को ऊपर वाला बहुत पावर दे ये सब सहने के लिए. और मैं तो प्यार ही भेज सकता हूँ यहाँ से फिलहाल. देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज मैं आप लोगों के सब लोगों के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि देखिए कभी भी बच्चों को कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, कोई बीइंग अ पेरेंट आज मेरे लिए अगर बच्चों से ज़्यादा मेरे लिए कुछ है नहीं, मेरे मतलब पूरी जीवन की कमाई जो है वो बच्चे हैं. तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी, मैं बच्चों से खास करके इस चीज़ के लिए बोलूँगा कि चाहे वो लड़के हों लड़कियाँ हों कोई भी हो, लेकिन आपको इस तरीके से कभी भी कोई स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की वो पूंजी हो, पूरी ज़िंदगी की वो पूंजी हो, जो कि कभी दोबारा मिल ही नहीं सकती है, कहीं पर भी नहीं मिल सकती है. तो आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डिस्कस करो, पेरेंट्स के साथ बातें करो,
है ना, अपने बड़ों से बातें करो कोई भी, लेकिन आप ये इस तरीके का जो भी करते हैं ये ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत करो। और इन सब चीज़ों से जो आजकल जो बच्चे ले रहे हैं, जो चल रही है, जैसे कि अभी बताएं किस वजह से कुछ ओवरडोज हो गया ड्रग्स का, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहें आप लोग, एकदम दूर। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा इसको टच भी करे, इसके बारे में बात करे या जिक्र करे। आप लोग उस जगह से बिल्कुल हट जाइए अगर कहीं कोई आपका जिक्र इस चीज़ का टॉपिक पर कोई बात भी हो रही हो, क्योंकि आप लोग मतलब उन माँ बाप का फ्यूचर हो, देश का फ्यूचर हो, ये यहाँ पे इतनी छोटी उम्र में ख़त्म करने से बहुत बड़ा लॉस है माँ बाप का, हम सब का, देश का, एवरीबॉडी, यू नो। तो इसलिए मैं इस मंच पर और आप सबके बीच में आज ये फिर बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को इतना दुखी ना करे, क्योंकि माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख जीवन में तो हो ही नहीं सकता। प्लीज़ ऐसा मत करें। Thank you. It's a very lovely song. Then it's okay, you can stand. It's his day, obviously. And I love this song. बहुत soothing song था. And मैं इस बंदे को काफी time से जानती हूँ. बहुत मेहनती है. And और भी मैं इसके songs दे चुकी हूँ. पता नहीं अभी तक मुझे इसने cast नहीं किया. तो आप लोग इसको बोल दो कि next music video में मुझे cast करो. अभी यहाँ पे producer मिलने वाला है कोई. Okay, thank you guys. And yeah, I'm having fun. जी. गाना मुझे काफ़ी खूबसूरत गाना लगा, जैसे कि इन्होंने बोला ऑलरेडी कि इनकी पर्सनल लाइफ में है। एंड आई थिंक जब आपका वीडियो, हाँ ठीक है, हम प्रोड्यूस आप करेंगे ना पक्का, अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों आ गए। हाँ वीडियो से मेरे को मत जोड़ना प्लीज़ कोई भी। हाँ ऑडियो मैंने लिखा था और मेरी फीलिंग्स लिखी थी ऑब्वियसली, तो वहाँ रिलेट कर सकते। हाँ तो मतलब इनकी पर्सनल लाइफ पे गाना है, एंड जब आपकी लाइफ में कुछ होता है आप उतना प्यार डाल देते हो गाने में, तो ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आता है। इसलिए आई वांट कि आप लोग सब इस पे कंटेंट बनाए, रील्स बनाए एंड सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ऐसी इंडस्ट्री बढ़ेगी। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस गाय, वेरी डिजर्व। थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? नो, थैंक यू गाइस, थैंक यू। विदाउट एनी डाउट दानिश भाई का गाना है, और दानिश भाई को अभी काफ़ी टाइम हो गया जानते हुए, तो उनके सारे वर्क्स ऑलरेडी देख रखे हैं। दिस अगेन वॉज अनदर मास्टर पीस एंड आई रियली फील एज एन एक्टर, आई थिंक द सॉन्ग वॉज अमेजिंग, शोकेसिंग काफ़ी अच्छी थी, जिस तरह से जो वीडियो प्ले हो रहा था दैट वॉज अमेजिंग, दैट वॉज वेरी कैची एट द सेम टाइम। एंड आई थिंक एज अ म्यूजिक वीडियो जो कंसर्न था, जो म्यूजिक प्ले होता है ना, तो आप जब वीडियो देखते हो विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक द विजुअल वॉज रियली नाइस एंड आई एक्चुअली एंजॉयड इट। एंड आई जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट टू दानिश भाई, एंड होपफुली बहुत सारे ऐसे म्यूजिक वीडियोज़ और देखने को मिलेंगे हमें दानिश भाई की तरफ से। थैंक यू।